28 नवंबर को संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 11 दिसंबर को होनी है। इसको लेकर जिला कलेक्टर निशांत वरवड़े ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने पत्रकारों और राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि सभी लोग मतगणना में प्रशासन को सहयोग दें। उन्होंने कहा कि नेहरू स्टेडियम में मोबाइल फोन ले जाना मना है, यह निर्वाचन आयोग के नियम है। निकट पे या कमरे के अंदर पर सहज दुर्लभ स्थान पर एक हम लोगों ने फ्लेक्स बूथ सिस्टम एस्टेब्लिश की है, जिसमें राउंड वाइज आरओ अपने किसी मातहत अधिकारी कर्मचारी के द्वारा उस राउंड में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त मत की संख्या को दर्ज करेगी। यह संख्या एग्जैक्टली वही होगी जिसकी फोटोकॉपी पूर्व में ही लोगों को दी जा चुकी है। इसके साथ साथ में आरओ पब्लिक एड्रेस सिस्टम से उस मत उस राउंड में किस अभ्यर्थी को कितने मत मिले हैं उनकी घोषणा भी करें। इसकी पूर्ति के उपरांत ही द्वितीय राउंड के जो मशीन्स हैं उनको स्ट्रांग रूम से टेबलों पे लाया जाएगा। साथ ही साथ में जिन मशीनों की में गणना हो चुकी है वो मशीनें वापस जाएंगी, यानी दोनों तरफ सिस्टम चलेगा, और जो नई मशीन जिनकी गणना होनी है वो टेबल पे आएंगी, और जो मशीनें जिनकी गणना हो चुकी है वो पैरेलली थर्ड एआरओ के सानिध्य में और पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स के सामने स्ट्रांग रूम के सामने वाले गलियारे में पुनः सील होकर वापस अपने नियत स्थान पर रखी जाएगी। ये मोटे तौर पे कल की प्रक्रिया है जो लगातार चलेगी जब तक कि हम अंतिम राउंड तक ना पहुंचे। इसमें बताना चाहूंगा आपको कि यदि लास्ट बट वन यानी अंतिम राउंड तक के यदि पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं हुई है तो पोस्टल बैलेट की गिनती पूर्ण होने के बाद ही अंतिम राउंड के ईवीएम की मशीन के माध्यम से वोटिंग की जाएगी। यह ऐसा करने के निर्वाचन आयोग के निर्देश है। ये भी बताना चाहूंगा कि एक वीवीपैट को रैंडमली लॉट के माध्यम से, मैंने उस दिन आपको वीडियो दिखाया था, एक वीवीपैट को रैंडमली चूजन वीवीपैट के को हम लोगों को वीवीपैट की पर्चियों की गिनती भी करनी थी, जिसके बारे में विस्तृत से मैंने पूर्व के कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को अवगत कराया था। लेकिन वो मेन प्रांगण के अंदर, बिल्डिंग के प्रांगण के अंदर नहीं है, अर्थात वो सामने का जो गार्डन का हिस्सा जो बना हुआ है जहां पर लाइव टेलीकास्ट करने के लिए आप लोगों ने अपने अपने चैनलों के लिए स्टूडियो बनाए हैं, वहां तक के सभी लोगों को किसी प्रकार की, यदि उनके पास पास है तो उनके मोबाइल से लेकर बाकी अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। बट किसी ज्वलनशील पदार्थ की, सिगरेट की, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा और बाकी इस प्रकार की जो अन्य चीजें हैं इन सब पे टोटल पूरे कैंपस में बैन है। तो हम अपील करना चाहेंगे और आप लोग के माध्यम से लोग बताना भी चाहेंगे कि ये चीज सभी के ऊपर लागू होती है, चाहे वो पोलिंग पर्सनल हो, चाहे वो कलेक्टर स्वयं हो, चाहे वो मीडिया के कर्मी हो, चाहे बाकी कोई अन्य व्यक्ति हो। एनीबडी हु इज इन इलेक्शन ड्यूटी एंड इफ इज गोइंग इनसाइड नेहरू स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, सबसे बाहर वाले गेट पे ही इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि क्या आप इस प्रकार की कोई चीजें अंदर हम अलाउ ही नहीं कर सकते। तस्वीर होने के बाद में वहीं पर उसको टच करा देंगे। पहले स्टेज पे क्लियर करने के लिए जो व्यक्ति अंदर जा रहा है, यदि मीडिया का वो व्यक्ति है, तो यदि आपके पास में बाहर के लिए पास है, यानी बाहर जो हम लोगों ने गार्डन में आपके लिए जो व्यवस्थाएं मुहैया करवाई है, यदि आप वहां से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं तो आप अपना मोबाइल भी अंदर ले जा सकते हैं, अपने मोबाइल का उपयोग भी वहीं से कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। दूसरी श्रेणी के जो हमने मीडिया पासेस चुकी है वो है उन हमारे मीडिया साथियों के लिए जो कि मीडिया सेंटर जो कि हमने प्रांगण के अंदर बनाया हुआ है वहां पर बैठ के रिपोर्टाज करने के लिए जो हमारे मीडिया कर्मी है उनको भी मोबाइल अलाउड है, लेकिन उनको मोबाइल अलाउड है सिर्फ और सिर्फ मीडिया सेंटर तक के। यानी आप मीडिया सेंटर से बाहर यदि कहीं निकलते हैं और किसी मतगणना वाले कक्ष को देखने जाते हैं तो एक तो आप अकेले नहीं जा पाएंगे, आपके लिए हमारे पेरो डिपार्टमेंट के लिए हम किसने किसी मुहैया करवाएंगे, हमारी पुलिस कॉन्स्टेबल आपके साथ में जाएगी, सिर्फ स्टिल कैमरा और हैंडहेल्ड कैमरा हम अलाउड करेंगे, मोबाइल्स किसी भी हाल में किसी भी मतगणना के कक्ष में अलाउड नहीं है। सिर्फ 3 व्यक्तियों को मोबाइल रखने की पात्रता है मतगणना कक्ष के अंदर, वो आरओ, एआरओ और ऑब्जर्वर।